सलाम अदा तमाम मोमिन मोमिनात को अदा मजराम से सलाम कर रहा हूँ। आज जैसा कि मौसम काफ़ी अच्छा है, पहले से बेहतर है, ज़ाहिरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो आ रहे हैं उनको खुश आमदीद। जिनकी मुश्किलात और परेशानियाँ मेरी कायनात के रोज़े पे उनके लिए दुआ को हूँ। और एक बहुत बड़ी बुरी खबर मिली है कि जो मोमिन जो फंसे हुए हैं वीज़ा के मसले में, यहाँ पर तो कुछ बहुत हालात ख़राब थे, जिसकी वजह से आज कुछ बेहतर हुए हैं। और मुज़ाहरात रात तक बगदाद में जारी थी, अभी कुछ पता नहीं है दिन क्या हो रहा है। अगर आपको बताता चलूँ, जिन लोगों ने वीज़ा ली मशियात से उनको तो वीज़ा मिल गई, मैंने अपने वीडियो में भी बताया, मगर ये कि उनको फिर एंटर नहीं होने दे रहे हैं बॉर्डर से, उनके लिए भी मुआफ़त की ज़रूरत है, अप्रूवल की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। मैं दुआ करूँ मौला हुसैन आप ज़ाहिरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद फरमाए, और जो मुश्किलात हैं उसमें अमीर कायनात के रोज़े में आप सबकी तरफ से इस्तमास है कि मौला मदद करें। इंशाल्लाह जो भी आ रहा है पाकिस्तान से इधर, मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह इराक की गवर्नमेंट अगर नेट ऑन कर लेती है, बहाल कर लेती थी, तमाम मसाइल आपके हल हो जाएंगे। काफ़ी हद तक अभी तक नेट ऑन नहीं हुई, जब होगी तो मैं अप्रूवल जो है उसके सिलसिले में बताऊँगा। जो बड़ा उन्होंने खास सख्ती से मना कर दिया है कि अप्रूवल के बगैर पाकिस्तानी ज़ाहिरीन को नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आपके साथ नजर तरफ इराक से, मौला आप सबको इंशाल्लाह मदद और हामी और नासिर है, आपकी मुश्किलात आसान करें। आप सबके लिए मैं दुआ करूँ। देख सकते हैं इस वक्त ईरान के ज़ाहिरीन मौजूद हैं जो यहाँ पर ज़्यारत करने आए। इस वक्त सिर्फ ईरान के ही ज़ाहिरीन आपको नज़र आएंगे और कहीं भी नहीं। मेरे खिलाफ़ लोग भी बड़ा उल्टा सुलटा भी रहे हैं, शाकिर गलत रिपोर्ट दे रहा है, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट्स दे रहा हूँ। पहले मुझे जितना पता था कि मशहद से वीज़ा मिल रही है, वो मिल रही है, वो ऑथेंटिक है। अब उस वीज़ा को कबूल काबिले कबूल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी दूसरी पॉलिसी आई है कि वो भी कबूल नहीं है जब तक मुआफ़त नहीं आए। क्योंकि मैंने जब देखा लोगों को यहाँ पर अप्रूवल पे आए, इसी वीज़ा पर लेकर इधर आए, उनको छोड़ दिया, मगर उनके लिए भी अभी शर्त यह है कि वो अप्रूवल वीज़ा के बाद भी अप्रूवल लेकर आए। इतनी बड़ी सख्ती पाकिस्तानियों के लिए, अल्लाह अकबर, मैं नहीं समझ सकता था ये तवक्को थी इस तरह कुछ होगा। ये सारा उमाल और जो काम करने उधर रहते हैं उनकी वजह से ये है, ताकि इनमें से कोई रहे नहीं, ज़ायरीन ही आए, मगर इसकी वजह से ज़ायरीन को भी तकलीफ हो रही। मैं आपके साथ नजफ़ अशरफ से शाकिर अब्बासी अमीर कायनात के रोज़े पे आपके लिए दुआ हूँ। ये मनाज़र देख सकते हैं और मौसम भी देख सकते हैं, बड़ा प्यारा मौसम है, बादल वगैरह छाए हुए हैं, और आज सात सफर मुज़फ़र है, आज के दिन की वीडियो है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज़ीज़ फ़रज़।